और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद निलंबन मामले में कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, माफी प्रधानमंत्री मांगे। हम क्यों मांगेंगे, ये बात अधीर रंजन चौधरी ने कही है। हम नहीं, सरकार ने संसद बंद की है, संसद में चना चबाने नहीं आते हैं। तो देखिए किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही है। बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है और ये कहा है कि माफी प्रधानमंत्री मांगे। आखिर हम क्यों माफी मांगेंगे, कैसे हाउस चलेगा? आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कानून का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन उधर से माफी के अलावा कह रहे हैं कोई चारा ही नहीं है। हमारे तरफ से सदन ठप करने का कोई इरादा नहीं है, स्पष्ट कल जता दिए हैं। हम सदन में चाना चबाने नहीं आते, सदन में हम लोग हवा महल नहीं बनते कि यहाँ हवा खाने आएंगे। सदन में हम लोग पिकनिक मनाने नहीं आते, आम लोगों की तकलीफें, दुख दुर्दशा को हम लोग यहाँ उठाने का कोशिश करते हैं। कल तो सदन चल रहे थे, सरकार बंद कर दिया। कल हम तो सदन में चर्चा करने के लिए तैयार बैठे थे, अब देखो 3 बजे के बाद क्या हुई। कल लोकसभा की बात करते हैं, सरकार ने बंद कर दिया। कल तो सरकार सदन बंद कराते और विरोधी पे इल्जाम लगाते, इल्जाम थोप देते विरोधियों पर। ये सरकार की एक नई चाल है। हमारी मांग ये था कि ये जो निलंबित किया गया इसके वापस लिया जाए। अब किसानों को एक साल सताने का बाद, 700 किसानों की जान गंवाने का बाद, आप लोग होश में आए थे और 3 किसान काले कानूनों को वापस लिया। आपने कभी किसानों से माफ़ी मांगा? लेकिन माफ़ी मांगना चाहिए था, क्योंकि वो हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक देश की प्रजा है, किसान है। आप अपने को समझते कि हिंदुस्तान के आप राजा महाराजा है, इसी में सबसे बड़ा गलती हो रहा है कि आप चुनाव में वोट में जीत कर यहाँ आए हैं और यहाँ आके आप समझते हैं कि राजा उजीर बन गए हैं। इसलिए सबको कहते हैं कि क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो। क्यों, किससे माफ़ी मांगे? गलती किया था हमारा, माफ़ी मांगे। आम लोगों की बात उठाना क्या गलत है? सदन के अंदर, सदन के अंदर आम लोगों की बात उठाने के लिए आ रहे हैं हम लोग, यह क्या गलत है? माफ़ी मांगने कोई सवाल उठता नहीं है, सवाल ही नहीं है। 2 में 3 महीना पहले जो घटना घटी अब उसको सजा दिया जा रहे हैं। चलिए, तो माफ़ी मांगने कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये कहना अधीर रंजन चौधरी जी का, त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अधीर रंजन चौधरी को भी हम सुन रहे थे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, हम क्यों माफी मांगेंगे? विपक्ष ने जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा किया है वो सबने देखा। आज तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, लेकिन आज भी जमकर हंगामा करे, आखिर सदन चलेगा कैसे? देखिए, सरकार ने यही बात कही है। सरकार ने कहा है कि हम कोई बदला लेने के लिए ये कार्रवाई नहीं किए। जो भी कार्रवाई हुई है वो वहाँ पर वीडियो फुटेज के आधार पर और जो रिपोर्ट दी गई है लोकसभा प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। 12 सांसदों को निलंबित किया गया और ये स्पष्ट भी हो गया है कि माफ़ी से नीचे कुछ भी नहीं। अगर एक बार ये लोग लिखित में माफ़ी मांग लेते हैं तो 12 सांसदों का निलंबन, वापसी पर विचार हो सकता है। लेकिन विपक्ष अलग अड़ा हुआ है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी को भी हम सुन रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया कि माफी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सोनिया गांधी भी साथ में है। तो तमाम जो विपक्ष है वो अब सदन नहीं चलने देना चाहता। उसकी ये मांग है कि ये जो 12 सांसदों का निलंबन है ये सरकार अपने मनमर्जी से कर रही है, सरकार गुंडागर्दी कर रही है, सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती, सरकार चर्चा नहीं होने देना चाहती, सरकार सवाल नहीं पूछने देना चाहती। ये लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है। वही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अभी जो बैठक हुई उसमें यही चर्चा हुई कि किस तरीके से सदन को चलाना है, क्योंकि सदन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अलावा तमाम जो मुख्य बिल है, 26 बिल हैं, उस 26 बिलों को कैसे 23 दिसंबर से पहले बिल को पेश करना है, पास करवाना है, जिसमें तमाम चैलेंज होने वाला है, चुनौती होने वाली है सरकार के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं सदन के भीतर की, उसमें तो लग नहीं रहा कि कुछ काम हो पाएगा। हितेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से, इसके अलावा शिवम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। हितेन, पहले आप ही के पास आते हुए, एक तरफ हम सदन के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ हम किसानों को लेकर जो चीजें अभी तक देख रहे हैं अपडेट, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को मान रही है, लेकिन राकेश टिकैत की डिमांड लिस्ट में अब नई नई चीजें आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि जो ट्रैक्टर जब्त है उनकी जगह नया ट्रैक्टर दिया जाए। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे राकेश टिकैत बना रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि अब कुछ प्लान उनका काम करने वाला नहीं है। लौटूंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का जमकर हंगामा सामने आ रहा है, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि विपक्ष जमकर हंगामा सदन के भीतर कर रहा है। और आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बार बार विपक्ष हंगामा करता है जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, सदन के अंदर काम कुछ हो नहीं रहा है, प्रोडक्टिविटी कुछ हो नहीं रही है। हितेन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
बिल्कुल देखिए, सदन में जो कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पॉलिटिक्स होती नजर आ रही है विपक्ष की तरफ से। एक दिन का अगर आपको बता दूं मैं, पार्लियामेंट का जो एक दिन का खर्च होता है चलाने का वो 12 करोड़ के लगभग आसपास होता है। आप सोचिए 3 दिन से सदन नहीं चल पा रही है, 36 करोड़ का नुकसान अब तक जो है वो देश को हो चुका है, और ये जनता के टैक्स के पैसों पर संसद चलती है और देश का काम जो है वो आगे बढ़ाया जाता है संसद के अंदर से। तो ये विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को जिस तरीके से मुद्दा बनाकर हंगामा करती नजर आ रही है, वो विपक्ष सोच नहीं रही है कि आखिरकार देश को कितना आर्थिक नुकसान वो पहुंचा रही है। दूसरी ओर आपने राकेश टिकैत की जो बात की, राकेश टिकैत के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राकेश टिकैत को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, फोकस नहीं मिल रहा है, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है, समिति का गठन जो किया जा रहा है जिसके लिए 5 नाम मंगवाए गए, उसमें भी राकेश टिकैत को कहीं जो है न्योता नहीं दिया जा रहा है। राकेश टिकैत वो 5 सदस्यों वाली समिति का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे ये किसी को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं खुद को मुख्य भूमिका में लाने के लिए राकेश टिकैत जो है कहीं ना कहीं एक नया ड्रामा रचते नजर आ रहे, ताकि मीडिया में बयान देते रहे, ताकि लोगों को पता रहे कि आंदोलन का जो मुख्य सेंटर है वो राकेश टिकैत है। लेकिन वो गलत फहमी में है, बहम में है, आंदोलन का जो मुख्य सेंटर है वो ये सिंघू बॉर्डर है, संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ से तय करता है कि आखिरकार क्या होना है। देखिए जो 43 नेता विज्ञान भवन में हमें दिखते थे वही नेताओं की बैठक अभी यहाँ शुरू होनी है थोड़ी देर में, वो आज तय करेंगे कि आखिरकार कौन से 5 नेताओं को जो है सरकार की समिति में शामिल किया जाए, क्योंकि यही 43 नेता जो है वो विज्ञान भवन में जाते हमें दिखे थे, 12 दौर की बातचीत में सरकार से बातचीत करते नजर आए थे। तो इनकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है, ठीक है। राकेश टिकैत एक शामिल थे लेकिन वो यहाँ आ बिल्कुल रहे, तो आपने सही कहा। देखिए कुल मिलाकर एक चीज तो साफ है कि राकेश टिकैत को लगता है कि वो सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल शिवम आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा पक्ष ऐसा है जो कहीं ना कहीं घर वापसी का ऐलान कर सकता है, ये उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन राकेश टिकैत ये चाहते नहीं है कि किसान वापस जाएं, और इसीलिए वो रोज नई डिमांड रख देते हैं। उन्हें भी पता है कि हर रोज अगर कोई नई डिमांड वो रखेंगे तो सरकार तो मानेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ महीनों का समय बाकी है, ऐसे में राकेश टिकैत की कोशिश है कि जो मेहनत उन्होंने लगातार एक साल से की है वो जाया ना जाए, और यही एक वजह है कि वो बार बार नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं, नई मांग को लेकर आते हैं। आपने अगर आपको याद होगी जिस दिन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ था उसके बाद से हर जगह कुछ किसान नरम थरम पड़े, तो उनका कहना था कि देखिए हमारी मुख्य मांग मान ली गई है, MSP पर कानून बनता रहेगा, हम अब घर की वापसी करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत पहले दिन से ये कहते रहे कि घर वापसी नहीं होगी, आंदोलन लंबा चलेगा, यानी उन्हें ये अच्छी तरीके से पता था कि हम इतनी मांगे रख देंगे कि सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। आप सोचिए MSP पर वो जो कानून चाहते हैं वो कल भी वो यही बोल रहे थे कि कानून एक दिन में बन जाएगा। आप समझिए जो व्यक्ति स्वयं विधायकी का चुनाव लड़ चुका हो और वो ऐसी बातें करे कि एक दिन में संसद में कानून MSP को लेकर बन सकता है, तो वो कितने स्वयं अचंभित तरीके से बातें करते हैं। अब उनके आज के आंदोलन की बात करें, अभी वो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो अभी भी बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम MSP पर कानून चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, जो किसान सही उनके लिए मुआवजा चाहते हैं, FIR लेकर तो सरकार भी मंथन कर रही है, उसको लेकर तो विचार किया जा रहा है, और मुकदमों की अगर बात है तो उसको लेकर भी राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप मुकदमे वापस लीजिए। फिर वही ये सवाल मैंने राकेश टिकैत से भी आज किया कि आप कमेटी की बात करते हैं, कमेटी बन रही है, कमेटी में न सिर्फ आप किसान नेता बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री सब शामिल होंगे, उनके कहीं ना कहीं सुझाव लिए जाएंगे। अगर FIR की बात करें, मुकदमों की बात करें, तो उनको लेकर भी गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया राज्य सरकारों को, ऐसे में प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक बात समझनी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर से दबाव बनाया है, वहां पर किसान नेता हैं, जो किसान संगठन है वो इस बात पर अड़े हैं कि अब घर वापसी होनी चाहिए, एक साल से यहाँ लोग पड़े हुए हैं। देखिए उसके बाद सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया दिखाया जा रहा है, ऐसे में वो भी समझ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं घर वापसी ही बेहतर है। बिल्कुल शिवम लौटेंगे आपके पास। अभिषेक आपके पास आते हुए, जो कुछ यहाँ पर चल रहा है इसको लेकर लगातार हम अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर की अगर हम बात करें, क्योंकि 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है राज्यसभा को, मैं जरा यह आपसे जानना चाहती हूं, अगर इसी तरीके से वहां पर सब कुछ चलता रहा तो काम कैसे होगा? लेकिन एक बार सीधा लोकसभा को रुक कर लेते हैं। 1689 रूट किलोमीटर ऑफ ब्रॉडगेज
46,776 route kilometers have already been electrified, Honorable Speaker sir, which is 72% of the entire target which we have kept for completing within 2022. In last year itself, the progress was huge. More than about 6,000 kilometers have been taken up. The other part of the question is not relevant to the main question, sir. It can be asked as a separate question. अभिषेक, तस्वीरें हम सदन के भीतर की भी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर इसी तरीके से, चाहे हम लोकसभा की बात कर लीजिए, राज्यसभा की बात कर लीजिए, अगर यूं ही स्थगित होती रही, जैसे अभी राज्यसभा हो गई 12 बजे तक के लिए, तो फिर काम कैसे होगा सदन के भीतर? जो टैक्स पेयर हैं, जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, क्या वो पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति संसद से निकल चुके हैं, घर की तरफ जा चुके हैं। कुल मिलाकर यही है कि जो हंगामा लगातार हो रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात कर ले या राज्यसभा की बात कर ले, और सदन बार बार स्थगित हो जाता है, कभी 12 बजे के लिए, कभी 3 बजे के लिए, ऐसे में ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार कैसे सदन को चलाएगी। अब लोकसभा स्पीकर और वेंकैया नायडू दोनों मिलकर पहले मीटिंग करते हैं विपक्षी दलों के साथ कि शांति के साथ कम से कम चर्चा करें, अपने मुद्दों को रखें, अपने सवाल रखें सरकार के सामने, अपने सवाल को रखें, जो चर्चा होनी होगी वो चर्चा के लिए समय भी दिया जाएगा। लेकिन अगर शांति से उस तरीके का माहौल बनाकर चर्चा करने वाले माहौल पर बातचीत करेंगे तब जाके चर्चा हो सकती है। अगर आप पेपर उछालेंगे, आप हल्ला करेंगे, आप चिल्लाएंगे, सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करने पर मजबूर करेंगे, तो आखिरकार में सदन कैसे चलेगा? सदन चलाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अहम बिल को पास करवाए, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के साथ मिलकर खड़ी हो, सरकार के साथ उस बिल पर चर्चा करे, बिल पर डिमांड करे, सरकार के साथ सवाल जवाब करे। लेकिन यहां पर पिछले 3 दिन से यह देखने को मिल रहा है कि सदन में सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम को लेकर सदन नहीं चलने दिया जा रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम माफी क्यों मांगे 12 सांसदों के निलंबन को लेकर, जो तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या फिर अगर विपक्ष को समझना होगा कि सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ हंगामा नहीं होता है, काम भी करना होता है, सरकार के साथ मिलकर काम करना होता है। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।